मोदी सरकार ने चाइना को दिया तगड़ा झटका। अब आखिर क्यों पूरा चीन का मार्केट भारत में दौड़ा दौड़ा चला रहा है, चीन से भाग कर आ रही हैं भारत सारी कंपनियां। ग्लोबल टाइम्स ने निकाली खींच, कहा साबित नहीं होगा ये रामबाण। दरअसल अमेरिका के साथ तनावपूर्ण होते संबंधों ने विदेशी कंपनियों को चीन से निकलने पर मजबूर कर दिया है, लिहाजा ज़्यादातर कंपनियों ने भारत में कदम रखना शुरू कर दिया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लिहाजा देश की भागती कंपनियों को देखकर चीन ने भारत पलना शुरू कर दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल्स में भारत के खिलाफ जिस तरीके से आग उगलने की कोशिश की है, जिस तरीके से खीज निकाली है, उससे साफ जाहिर होता है कि भागती कंपनियों को देखकर चीन डरा हुआ है। चीन को समझ में आ गया है कि पश्चिमी और भारत के बीच की मजबूत होती दोस्ती चीन के लिए खतरनाक है। दरअसल आपको बता दें, बड़े पैमाने पर कंपनियां जो है वो चाइना का मार्केट छोड़कर भारत में आ रही हैं। चाइना ने ऐसे ऐसे नियम लगाए हैं जिसके बाद से अब चाइनीज कंपनियां जो हैं वो भारत की तरफ रुख कर रही हैं, जिसके बाद से अब ग्लोबल टाइम्स जो है वो भड़क गया है। मोदी सरकार ने चीनी सप्लाई चेन पर पश्चिमी देशों की चिंता को भुनाया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि मोदी सरकार ने चीनी सप्लाई चेन पर पश्चिमी देशों की चिंता को भुनाया, जिसे भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ। लेकिन अगर भारत ये सोचता है कि वो पश्चिमी देशों की मदद से चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब से हटाकर खुद दुनिया का नया औद्योगिक शक्ति बन जाएगा, तो ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा भ्रम है। हालांकि भारत से खींचने के बाद भी भारत के इस बात को स्वीकार किया है कि जनवरी में मार्च के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि साल दर साल 6.1% तक पहुँच गई, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो भारत को सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी से बढ़ते जोखिमों की पृष्ठभूमि के खिलाफ भारत का आर्थिक डेटा अच्छा दिखाता है, जिसे आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोगों द्वारा भारत की आर्थिक क्षमता के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर भारत वास्तव में सोचता है कि वह दृश्य क्षमता के आधार पर चीन की जगह ले सकता है, तो भारत वास्तव में पश्चिमी द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। तो यानी एक तरीके से ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी देश जो है वो भारत को मूर्ख बना देंगे। तो चाइना को अभी ये भी नहीं समझ में आया कि भारत जहाँ विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है, तो वहाँ पश्चिमी देश जैसे चाइना जैसे देश हो या पश्चिमी देश हो, कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। लेकिन आज दुनिया भर की जिस तरीके से खास करके चाइनीज कंपनियाँ भारत के मार्केट और भारत में आ रही हैं, भारत की तरफ रुख कर रही हैं और भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रही हैं, इससे चाइना को चाइना की अर्थव्यवस्था बनकर चाइना को तगड़ा झटका लग रहा है। और यही कारण है कि अब चाइना जो है वो तिलमिलाया हुआ है और अब पश्चिमी देशों के जरिए भारत को टारगेट करना चाहता है। पिछले एक सालों में कई कंपनियों ने चीन में अपना परिचालन बंद कर दिया है। वो कंपनियां भारत में आने को लेकर मोदी सरकार से कंपनियां आ चुकी हैं और कई सरकार से संपर्क में हैं। वहीं एप्पल ने भारत में अपना ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। लेकिन चीनी अखबार ने लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कई समस्याएँ काफ़ी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं, जिससे पार पाना भारत के लिए संभव नहीं है। तो चाइना जो है वो ग्लोबल टाइम्स में इस बात को छाप करके उन तमाम कंपनियों को भड़काने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कंपनियां धड़ाधड़ मोदी सरकार पर प्रस्ताव दे रही, मोदी सरकार से जो है वो परमिशन मांग रही है भारत में आने की। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भले ही एप्पल कंपनी ने अगले कुछ वर्षों में भारत में निवेश को दोगुना या तिगुना करने का लक्ष्य रखा, फिर भी भारत के कारोबारी माहौल में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। भले ही मोदी सरकार चीन की जगह भारत को दुनिया के अगले विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से सक्रिय रूप से औद्योगिक नीतियों का पालन कर रही हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। भारत में कंपनियां खुल रही हैं, चीन के पेट में दर्द हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।